हरियाणा में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व सुबह 7 बजे से शुरू हो गया और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह सुबह ही मतदाताओं में वोट करने के प्रति जोश दिखाई दिया। इसी कड़ी में रादौर से भाजपा उम्मीदवार व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने आज अपने गांव मंधार में मतदान किया। भाजपा उम्मीदवार कंबोज ने गांव के सरकारी स्कूल में बने मतदान केंद्र नंबर 213 पर अपने मत का प्रयोग किया। कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, आज वो दिन आ गया, वो मेहनत का रंग दिखाने का दिन आ गया। आज हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर, सभी अपने पन्ना प्रमुख एक एक वोट किस प्रकार से जो है ना बूथ पर ले जा करके उसका भुगतान कराया जाए। सभी हमारे सैनिक आज तैनात हैं और जो बूथ प्रबंधन का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में है वो किसी अन्य पार्टी में नहीं है। हमारा एक एक पन्ना प्रमुख 60 वोट के ऊपर हमने एक पन्ना प्रमुख बनाया है और सभी बूथों के ऊपर जाना हमारी बूथ कमेटियाँ लगभग 25 लोगों की एक जो टीम है वो प्रत्येक बूथ पर काम कर करे और एक एक वोट को जाना बूथ पर पहुँचाने का काम करेगी। और जिस प्रकार से समर्थन मिला है इन पूरे 20-25 दिन के दौरान पूरे रादौर की जो रादौर हल्के की जनता है ये चुनाव खुद स्वयं अपने आप लड़ रही है। मेरा तो केवल मात्र चेहरा था, लोगों में जाकर के सिर्फ उपस्थिति दर्ज करानी थी, बाकी चुनाव तो सारी रादौर की जनता खुद लड़ रही है और बहुत बड़े मार्जिन से हमें चुनाव जीतने वाले हैं। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।